आत्मदेव को भारी दुख है, संतान नहीं है। एक महात्मा मिले तो उन्होंने कहा, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं, मुझे प्रवचन नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। कुछ कर सको करामात तो करो। महात्मा ने फल दिया, इन्होंने आके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम जैसा है ना धुंधली, वैसा वैसी है भी वो। ये सोच रही है, वो कह रहे खाले खाले पुत्रवती हो जाए। अब ये कहती है, ऐसे कैसे खा लूं, स्नान करूंगी, भोग लगाऊंगी भगवान को, फिर खाऊंगी। तो वो सोच रहे कि ये धुंधली को महात्मा के आशीर्वाद फल गए हैं, इसकी बुद्धि सही सही चलने लग गई है। बेचारे भोले भाले आत्मदेव। धुंधली ने अपनी बहन बुलाई, राम मिलाई जोड़ी, कंधा एक कोड़ी, और कह रही है, देखो तेरे जीजा जी का दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कौन से बाबा जी को पटापटू के फल ले आए। अब वो कह रहे हैं, मैं खा लूं फिर पुत्रवती हो जाऊंगी, मुझे तो विपत्ति दिखाई देती है, अगर गर्भनी हो गई तो क्या होगा, पेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उबकाइयां आएंगी तो क्या होगा, भेलपूरी खाने का दिल करेगा खा नहीं पाऊंगी तो क्या होगा, और गांव में डकैती पड़ गई बिना पेट वालियां भाग जाएंगी मेरा क्या होगा, और फिर ननद डेरा डाल लेगी घर में माल लेके चल देगी तब फिर मेरा क्या होगा। मुझे तो लगता है बांझ स्त्रियां ही सुखी रहती हैं। तो वो और चार कदम आगे थी, उसने कहा, तुम्हें पुत्र नहीं है तुम इसीलिए परेशान हो, मुझे हर वर्ष होता है मैं इसीलिए परेशान हूँ, तू चिंता मत कर, ये फल गैया को खिला दे, बाबा जी की परीक्षा भी हो जाएगी और तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी, मुझे होने वाला है अपना दे दूंगी तुझे, तुम तो कह दो अपने पति देव को कि फल तुमने खा लिया, थोड़े दिन बाद बता देना तुम गर्भिणी हो गई, पेट पे तकिए वकिए बांध के बम्बैया फिल्मों जैसी हेरा फेरी हो गई, आत्मदेव को पता ही नहीं चला, उसको संतान हुई लाके पार्श्व में लेटा दी और कांसे की थाली बजा के घोषणा कर दी, धुंधली को पुत्र हुआ है। पिता बहुत प्रसन्न हो गए, किसी ने आके कहा गैया को भी पुत्र हुआ है, संत आ गए, और वहां पर पूरा शरीर मनुष्य का कान गाय जैसे गोकर्ण जी नाम रखा गया। और धुंधली कहती है कि मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगी, आत्मदेव कहते हैं नहीं देवी मैं रखूंगा, इसको ब्रह्मदेव बोलेंगे, मैं आत्मदेव हूँ। धुंधली बोली नहीं मैं धुंधली हूँ, इसको धुंधकारी बोलेंगे, और धुंधकारी महापात की छल छिद्र की संतान ऐसी ही होती है। और कदाचित जितना व्यक्ति संतान से छला जाता है ना उतना किसी की भी साथ नहीं जो हृदय को दुखा दे। हम सबसे ज्यादा अगर पराजित होते हैं तो अपनी ही जन्मी हुई संतानों के हाथों से पराजित हो जाते हैं। आत्मदेव जैसे व्यक्ति के घर में ऐसा महापातकी क्रूर कर्मा व्यक्ति, वैराग्य होना स्वाभाविक है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि वैराग्य वैराग्य तो तुम जिंदगी को ढंग से जी लो, वैराग्य ये जिंदगी अपने आप करा देती है, अपने आप संसार की असारता समझ में आने लग जाती है। अगर जरा सा भी विवेक है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या क्या दुरंगी दुनिया है। आत्मदेव को गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, वे तप निरत हो गए, और धुंधकारी ने माता का नाक में दम कर दिया, तो उसने आत्महत्या की है। और ये अकेला हुआ है और पांच स्त्रियों को घर में लाया है और उनके साथ रंजन कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए डकैती डाल रहे हैं, और उन्होंने ही इसकी हत्या करके अपने उसी के आंगन में गाड़ दिया है और वही प्रेत बन के भटका है। और गोकर्ण जी को जब पता चला तो उन्होंने अपने भाई के कल्याण के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण का वाचन किया। और आप आश्चर्य करोगी, मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में देश के अंदर प्रवास करती थी, तकरीबन डेढ़ वर्ष तक प्रेत योनि में पड़े एक ऐसे जीव के साथ उसकी संवाद को मैंने सुना। डेढ़ वर्ष, वो कोई अच्छा कोई व्यक्ति होगा जिसकी अकाल मृत्यु हुई होगी या क्या हुआ होगा पता नहीं। आप आश्चर्य करोगी देवियों,
मैं मेरे गुरुदेव के साथ उत्तर प्रदेश में देवबंद जगह थी, एक उसके पास एक गांव था, वहाँ एक राम जन्मभूमि का एक सभा थी और मैं मेरे गुरुदेव के साथ गाड़ी में बैठ गए। उसने मुझे कहा मेरे कान में कि इस गाड़ी को छोड़ दो। मैंने अपने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव इस गाड़ी को छोड़ दे। गुरुदेव बोले हाँ छोड़ दो। हम लोग उस गाड़ी से नीचे उतरे, एक दूसरी गाड़ी में बैठे। 15 मिनट बाद पुलिस का फोन आया, उस गाड़ी के नीचे एक टाइम बम फिट किया हुआ था। मैं हरिद्वार आश्रम में गई, भूख लगी थी, 15 सभाएं कर चुकी थी। मैंने ब्रह्मचारियों से कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन बन गया? बोले नहीं साध्वी, दाल बनी है। मैंने कहा कटोरे में ले आओ। मैं बरामदे में ही बैठ के दाल पीने लगी। इतने में मुझे उसने आभास दिया अभी पुलिस आएगी। तो मैंने ब्रह्मचारियों को दौड़ाया, सामने का गेट बंद कर दो, और जैसे गेट बंद किया तैसे ही पुलिस की जीप आके, बहुत केस चल रहे थे मेरे पे, मैं दौड़ के छत पे चढ़ी और पीछे के आश्रम में मैं कूद गई। तो 15 फिट की जो दीवार थी मिट्टी की, वो धड़धड़ करके मेरे साथ ही नीचे गिर गई। मैंने पिछले आश्रम वालों से कहा कि मुझे कोई साधन दे दो, मुझे जाना है, भागना है यहाँ से। वो मुझे देख के डर गए। तो मैंने 2-4 सुनाई कि वे साधु बने इतने डरपोक। अरे यह तो बतलाओ, कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से, मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का। और हुआ क्या कि जब वो दुविधा में पड़े थे, उसने मुझे बताया कि साध्वी आगे गाड़ी खड़ी है। मैं दौड़ कर गई उस गाड़ी में, कहाँ पौंटा साहब पहुंची। 1.5 वर्ष तक श्रीमद् भागवत के इस सत्य को, अगर कोई कहता है कि शास्त्रा ने शास्त्र रचा, लेकिन जब तक कोई चीज आपको अनुभव नहीं होती, आपका भरोसा पक्का नहीं होता। अगर सही कोख ना मिले जल्दी, बुरे लोगों को बुरी कोख ना मिले जल्दी, तो फिर व्यक्ति भटकता है, उस प्रेत योनि में पड़े। अब ब्राह्मणत्व के शिखर पर गिर चढ़ा हुआ व्यक्ति, और फिर उसका स्खलन हमने देखा है, अजामिल की कथा में भी देखा है। और फिर बहुत अद्भुत कथा हुई, पूरा गांव जुटा समष्टि के कल्याण के लिए, और 7 भागों में 7 गांठ की बांस जो था, 7 गांठों वाला, उसमें वो स्थापित हुआ। फिर उस ऐसा उद्धार हुआ कि भगवान का पार्षद बन के प्रकट हुआ, विमान उसको लेने आया। लेकिन सारे गांव वालों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ कि सबने सुना, पर जितना पश्चाताप पूर्ण हृदय से धुंधकारी ने सुना। श्रवण करने की विधा अलग है, तुम शरीर से हाजिर हो पर मन से गैर हाजिर हो। बहुत सारे लोग फरार हो जाते हैं, और मैं आंखों से समझ जाती हूँ कि श्रोता यहाँ नहीं है, कहीं और है। अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित सबसे बड़ी आग होती है, उसमें जलकर हम कुंदन हो जाते हैं, अंतर के पाप ध्वस्त हो जाते हैं। गोकर्ण जी ने दोबारा सप्ताह विधि से कथा, कदाचित अद्भुत है ये कथा। जीवात्मा ही आत्मदेव है, बुद्धि ही धुंधली है, और हमारा मन ही धुंधकारी है। इंद्रियों के माध्यम से विषयों का रस लेने वाला, वो 5 कर्म इंद्रियां 5 विषयों में प्रवृत्त होती हैं। रस इंद्रियां नहीं लेती, उनके पीछे बैठकर मन ही रस लेता है। इसलिए इस मन का शमन हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सन्निधि ली जानी चाहिए।